नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है COPD। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये लंग की डिजीज़ है जिसमें कि क्रॉनिकली लंबे टाइम तक ये चलती है और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का, यानी जो एयर का आदान प्रदान होता है लंग्स से उसमें बाधा पहुंचती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचता है। तो आज इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज COPD स्टैंड फॉर? तो COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेकिया जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई लंग के अंदर ये ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये हैं एल्वियोलाई, जहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई और कैपिलरी जो होती हैं उनके बीच में आदान प्रदान होता है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और एल्वियोलाई जो होते हैं वो उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और ये प्रॉपर सिकुड़ना और जो इनका फैलना है हवा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब आती है तो वो कम हो जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो गई है। तो इनमें जब प्रॉब्लम आती है एल्वियोलाई में तो उस डिजीज़ को कहते हैं हम एम्फाइसिमा। तो COPD में मेनली अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा, इन तीनों से बनी होती है COPD। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, COPD इज़, तो COPD क्या होती है? इररिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। इररिवर्सिबल मींस उसको रिवर्स करना ज़्यादातर क्या होता है, नामुमकिन होता है। इररिवर्सिबल होती है और प्रोग्रेसिव मींस धीरे धीरे और ज़्यादा बुरी कंडीशन होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मींस, तो प्रोग्रेसिव मींस का मतलब है कंडीशन विल गेट वर्स ओवर टाइम। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही कंडीशन बेकार होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज COPD? तो COPD इज ए ग्रुप ऑफ लंग डिजीज दैट ब्लॉक एयर फ्लो, एयर फ्लो को ब्लॉक करता है एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और ब्रीथ लेने में, सांस लेने में परेशानी होती है। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, ये है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ COPD? मुख्य कारण इसका क्या होता है? तो मुख्य कारण होता है इसका सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से COPD होती है, ये इसका मुख्य कारण है। बाकी तो जैसे इरिटेंट्स हैं, पॉल्यूशन है, इस तरह से। व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ COPD? अब COPD में तीन तरह की बीमारियां शामिल होती हैं। ये है एम्फाइसिमा, जिसमें कि एल्वियोलाई सही ख़राब हो जाती हैं, एक तरह से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है उनकी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में और ब्रोंकियोल्स में, जिसकी वजह से कफ प्रोडक्शन होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव अस्थमा। तो ये तीन डिजीज COPD में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू कॉजेज ऑफ COPD? तो दो जो इम्पोर्टेंट कॉज हैं, पहला तो है ये सिगरेट स्मोकिंग, और दूसरा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं α1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। α1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, तो ये दो मुख्य कारण होते हैं। अब है, व्हाट इज एम्फाइसिमा? एम्फाइसिमा क्या होता है? डैमेज टू द एयर सैक इन द लंग। लंग में जो एयर सैक होते हैं या जो एल्वियोलाई होते हैं उसका डैमेज होना ही एम्फाइसिमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोज ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर टू इरिटेंट्स। ब्रोंकाई का और ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लामेशन किस वजह से?
लगातार लंबे समय से एक्सपोजर हो रहा है इरिटेंट से, कोई भी एलर्जन है, इरिटेंट्स हैं, तो उससे हो जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट आता है विच फॉर्म ऑफ COPD इज मोस्ट कॉमन। अब ये जो तीन टाइप की डिजीज है इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है व्हाट आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ COPD। तो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके कफ प्रोडक्शन, डिजनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड एंड ऑन गोइंग फैटिक, धीरे धीरे थकान महसूस होती है व्यक्ति को, एंजाइटी महसूस होती है कि ये क्या बीमारी मुझे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डायग्नोज COPD। COPD को डायग्नोज कैसे करेंगे हम, तो करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें PFT भी बोलते हैं इसको, इसमें आता है मेनली स्पायरोमेट्री, उसके द्वारा इसको डायग्नोज किया जाता है कि कितने परसेंटेज लंग फंक्शन कर रहे हैं और क्या क्या फंक्शन उसके प्रॉपर हैं। नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे, AVG एनालिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है, लेबोरेटरी टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट भी किए जाते हैं इसके लिए, तो इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं COPD का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये COPD में स्पेशली इम्पॉर्टेंट है गोल्ड क्लासिफिकेशन। तो गोल्ड क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसके द्वारा हम COPD को क्लासिफाई करते हैं। द गोल्ड क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग COPD सीवियरिटी, कि कितनी सीवियर डिजीज़ है COPD, कितनी सीवियरिटी में प्रेजेंट है, कम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इस तरह से हम ये डिटरमाइन करते हैं। एंड हेल्पिंग टू फॉर्म ए प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और उसी हिसाब से उसका प्रोग्नोसिस उस पर ही डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर वो डिजीज़ है। तो इसके लिए ये स्पेसिफिक आंसर है इसका कि गोल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो COPD की सीवियरिटी चेक करता है, उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा वो बताता है और उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे वो बताता है। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ COPD। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम मेनली यूज़ करते हैं इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं और एयर की जो आदान प्रदान है उसकी क्षमता को इस तरह से बढ़ाया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम कर देंगे। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इसमें फ्लू और न्यूमोनिया, वैक्सीन्स भी यूज की जाती हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, पल्मोनरी लंग की जो रिहेबिलिटेशन किया जाता है, एक्सरसाइजेस और जो योगा है उससे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है एंड वेंटिलेशन भी यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गए ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक, फ्लू और न्यूमोनिया वैक्सीन, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, ऑक्सीजन थेरेपी एंड वेंटिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सर्जरी टू बी डन फॉर COPD। तो जो COPD के लिए सर्जरी की जाती है उसका नाम है बुलेक्टॉमी एंड नेक्स्ट है लंग ट्रांसप्लांटेशन। और जो बुलेक्टॉमी होती है इसका मतलब होता है, बुली का जो टर्म है वो एयर सैक के लिए, जहाँ पर एल्वियोलाई होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। तो जो एल्वियोलाई या एयर सैक कि इलास्टिसिटी कम हो गई है या एनलार्ज हो गए हैं वो उनको रिमूव कर दिया जाता है इसमें। और लंग ट्रांसप्लांटेशन में पूरे लंग को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसके अलावा लंग लोबेक्टोमी भी करते हैं जिसमें लोब्स को उसको हटाया जाता है। तो इस तरह से COPD में ये सर्जरी यूज़ की जाती है। तो आज हमने COPD के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। तो COPD है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मेनली इसमें जो एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ये मेनली सिगरेट स्मोकिंग से होती है। इसमें मेनली तीन डिजीज शामिल होती हैं, अस्थमा, एम्फाइसिमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और इसके अलावा जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है
कि इसके लिए हम ब्रोंको डायलेटर देते हैं और गोल्ड क्लासिफिकेशन इसकी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और सर्जरी में बुलेक्टॉमी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन यूज़ करते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।